तो गाइस हम लोग फाइनली इसका नज़ारा देखने का बाद ही ब्लॉग को एंड करने के लिए हेलो नॉर्थ ईस्ट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज बात कुछ ऐसा है कि आज मैं डिमापुर राजबाड़ी जा रहा हूँ घूमने के लिए। और ये राजबाड़ी क्या है बोलने से, ये राजबाड़ी कभी डिमासा कसारी का प्राचीन राजधानी हुआ करता था। वही अंदर में क्या क्या है वही दिखाने के लिए कोशिश करूँगा आप लोगों को। आप लोग बने रहना ब्लॉग में, और आप लोग ब्लॉग चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और साथ में घंटी को बजा के ऑल पर रख देना, क्योंकि आने वाला आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अंदर एंटर करते हैं, अंदर में क्या क्या है आप लोग बने रहना। ठीक है, चलिए लेट्स गो। तो गाइस एंट्री करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़ारा मिलेगा देखने को। देखिए यहाँ पर लिखा है अल्कोहल और फूड आइटम कुछ भी अलाउ नहीं है। और टाइमिंग आपका देखिए 9 से 4 तक, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। और आप लोग संडे में क्लोज रहता है तो भूल कर भी आप लोग भी संडे मत आइए। संडे क्लोज नहीं है, और अभी पहले तो संडे क्लोज था ना, और अभी एवरी डे खुला है ना। तो गाइस सॉरी, एवरी डे खुला है, आप लोग आ सकते हैं। और इस तरफ देखिए यहाँ का नज़ारा, जो अंदर का जो नक्शा कुछ इस तरह है, और क्या क्या है डिटेल्स में आप लोग वीडियो को पूछ करके पढ़ लेना। तो आगे का नज़ारा क्या है आप हम चलते दिखाते आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग बने रहना। तो गाइस अंदर जाने का पहले इस जगह के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग बने रहना। विकिपीडिया के मुताबिक भीम की पत्नी हिडिंबा यहाँ की राजकुमारी थी। दीमापुर कभी हिडिंबापुर के नाम से जाना जाता था। इस जगह महाभारत काल में हिडिंब राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहा करते थे। यहीं पर हिडिंबा ने कुंती पवन पुत्र भीम से विवाह किया था। यहाँ रहने वाली दिमाशा जनजाति के लोग खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानते हैं। और गाइस देखिए, ये कभी यहाँ का प्राचीन द्वार हुआ करता था, और अभी फिलहाल उसको बंद कर दिया। और अभी उसका बगल में जो नया एक एंट्री वाला गेट बनाया है वहाँ से एंट्री करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह था, देखिए गाइस कैसा था पहले का, कितना हजारों साल पुराना, देखिए गाइस अभी भी टिका हुआ है। और इस जगह का बारे में कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ से देखने का नज़ारा कुछ इस तरह है, और यहाँ का हालात देखिए। गवर्नमेंट इस जगह का ऊपर कुछ अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए गाइस ये पुराना इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं ना, तो देखने से भी शर्म लगता है। तो मेरा हिसाब से गवर्नमेंट इस जगह को अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए। क्या हालात हुआ है गाइस देखिए, तो तोड़ ताड़ के देखिए, और किसी में नाम लिखा हुआ है, ये सब करना नहीं चाहिए यहाँ पर आने से, क्योंकि देखिए गाइस ये इतिहास से जुड़ा हुआ है चीज़ है। तो इसलिए अभी फिलहाल फेंसिंग से ब्लॉक करके रखे सारे सामान को। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर कभी पानी था और इसका ऊपर कमल खिलता था। अभी इसका हालात देखिए, पूरा जंगल भरा हुआ है।
और इस तरफ देखिए बाउंड्री का, उस तरफ देखिए दिमापुर का साइंस सेंटर, आप लोग आ सकते हैं यहाँ भी। और आप लोग सोच रहा होगा ये राजबाड़ी और साइंस सेंटर कहाँ पर लोकेशन का है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, दिमापुर सुपरमार्केट का एरिया पर ही है। आप लोग किसी से भी पूछने से आप लोगों को दिखाई देगा। और यहाँ का देखिए गाइस सबसे बड़ा किला दिखाई दे रहा है, तो चलिए एक बार देखते सामने जाके। तो गाइस आप लोगों को मैं एक छोटा सा हिस्ट्री सुनाना चाहता हूँ, मुझे जितना जानकारी है, क्योंकि आप लोग कोई सोच भी सकते हैं जो लास्ट फिनिशिंग में ये सब छोड़ छाड़ के यहाँ का जो डिमासा कचहरी का राजकुमारी हिरुम्बा कहाँ चला गया था। तो बात कुछ ऐसा है कि गाइस 15 सेंचुरी में अहोम के साथ एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में डिमासा कचहरी को हार का सामना करना पड़ा। और एक बात गाइस, इसका पहले 14 सेंचुरी में दो बार युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जीता था बट इस बार हार गया। तो उसका बाद अहोम ने जबरदस्त हमला किया, और इस हमले में डिमासा कचहरी से राज्यों को छीन लिया गया। तो उसका बाद डिमासा कचहरी का जो राजकुमारी हिरुम्बा वो लोग चला गया माईभंग। तो अभी मैं आप लोगों को माईभंग का अर्थ समझाता हूँ। माई का अर्थ है धान और भंग का अर्थ है ज़्यादा, तो जहाँ पर ज़्यादातर धान होता है यही है मीनिंग, ठीक है। तो गाइस हम लोग फाइनली इसका नज़ारा देखने के बाद ही ब्लॉग को एंड करने के लिए कोशिश करेंगे, आप लोग बने रहना। और गाइस इस किला को देखिए, इसका आकार देखिए, कुछ इस तरह है, मशरूम की तरह है। ऑलमोस्ट हर कोई इस तरह ही है, मशरूम की तरह देखिए। और जैसा कि चेस गुटी का जैसे भी देखने में ऐसा लग रहा है। और कोई कोई देखिए गाइस, पहले एक शायद गेम था, पहले वो लोग किस तरह खेलता था वही दिखाने के लिए कोशिश किया होगा। वाओ क्या शानदार नज़ारा है गाइस। और गाइस आप लोगों को और एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि दिमापुर का जो नाम है ना, इसका भी एक अर्थ है, एक मीनिंग है। तो चलिए एक बार सुन लेते हैं। जैसे कि दिमापुर, दी का अर्थ है नदी, माँ का अर्थ है बड़ा, और पुर का अर्थ है शहर। तो यही था दिमापुर का अर्थ। और गाइस मुझे जितना भी जानकारी था देने के लिए आप लोगों को कोशिश किया, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स डाल देना, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस बोलिए आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छा लगने से प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलना, और जो कोई नया है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। आज की ब्लॉग हम यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। और एक बात गाइस, यहाँ पर जो कोई भी आ सकता है, जिसको भी हिस्टोरिकल चीज़ देखने का पसंद है वो लोग आ सकता है। संडे से मंडे तक खुला है, सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक आप लोग आ सकती है, ठीक है। आज की ब्लॉग हम यहीं पर एंड करता हूँ, अगले ब्लॉग पर फिर मिलूँगा। अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय।